आपने कुर्ता सेट तो बहुत सारे लिए होंगे, मैंने ही आपको कितने सारे कुर्ता सेट आज तक बताए हैं लेने के लिए, बट आज जो लाई हूँ ना वो सबसे यूनिक है। ऐसा कुर्ता सेट तो मैंने भी पहली बार लिया है, मैंने भी पहली बार पहना है, क्योंकि इस तरह का कुर्ता सेट मैंने कभी नहीं पहना। और आज का कुर्ता सेट बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल स्टाइल अलग है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, स्टाइलिश तो है ही है। और जैसे कि मेरा होता है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा वाला तो वो रहेगा, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ आपके पैसे कम खर्चा लेकिन आपका स्टाइल स्टेटमेंट बहुत ऊपर कर दूँ। तो आज का वीडियो पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड टू बेस्ट वाइफ प्रिया। मैं हूँ प्रिया, आप सबकी दोस्त। और आज जो आपके लिए कुर्ता सेट लेकर आई हूँ, यार वो वाला कुर्ता सेट मैंने भी कभी नहीं पहना है, क्योंकि नॉर्मल मैंने आपको बहुत सारे कुर्ता सेट बताए हैं, प्लाजो पैंट के साथ, स्ट्रेट पैंट के साथ वाले और पैरेलल के साथ वाले, बट आज जो कुर्ता सेट लाई हूँ ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज का जो कुर्ता सेट है वो देखो ये वाला है, लग रहा है ना कितना स्टाइलिश, बहुत मैंने भी जब देखा यार बहुत सुंदर लग रहा। तो ये कुर्ता सेट देखो कुछ इस तरह से आया है, ये है कुर्ता सेट आज का। एक्चुअली आप लोग सोचोगे कि पैकिंग में क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। एक्चुअली मैं कल घूमने के लिए गई थी मंदिर में, तो मैं इसी को पहन के गई थी और ये इतना कंफर्टेबल था ना यार, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मंगाया कहाँ से। एज यूजल अगर अभी तक आप लोग मेरे वीडियोज देखते आए हो तो आपको पता होगा मैं सबसे ज़्यादा शॉपिंग अमेजोन से करती हूँ, और ब्रांड है लुकमार्क। ये मैंने क्योंकि उसका टैग निकाला था तो मैंने रख लिया था संभाल के, लुकमार्क ब्रांड का है, मेड इन इंडिया ब्रांड का है। और सबसे बड़ी बात क्या है यार, एक तो इसका ना कलर देखो अलग सा है, ग्रे कलर में है, ग्रे के ऊपर वाइट प्रिंट है, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसका अगर आप स्टाइल देखोगे ना, अभी फोटो में देखो ये अलग स्टाइल में, ये जैसे ना वो पठानी टाइप के होते थे ना, वो उस टाइप का है। देखो ये ऐसे इसका वी गला आएगा पूरा, या आपको ऐसा भी देखने में लग रहा है ना कि बहुत डीप है, बट ये डीप नहीं है, इस तरह से वी नेक है ये इसके, इस तरह से ना ये ऐसी वाली स्लीव्स आएंगी। ये आगे से देखो ये ऐसे हो रखा है, इस तरह से प्लीट्स जली हुई होती हैं, ये इस तरह से है। और ये नीचे से भी ना ये जैसे पठानी सूट का वो होता है ना गोल कट वाला, वैसा है ये देखो। हाँ ये देखो ये इस तरह से आएगा, नीचे से ऐसा कट आ रहा है इसका। बाकी प्रिंट दोनों साइड पे सेम ही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है इसकी, यार ये इतना कंफर्टेबल है। एक बार को जो नॉर्मल आप सूट पहनते हो ना प्लाजो के साथ वाले है, वो फिर भी थोड़े से, मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। चलो पहले एक मिनट, पहले ना आपको पूरा सूट ही दिखा देती हूँ। ये इस तरह से देखो इसकी, ये ना ये पठानी टाइप की जैसे सलवार होती है, देखो अगर आप फोटो में देखोगे ना जिनकी हाइट मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा है उन पे तो ये और भी सुंदर लगेगा, क्योंकि मेरी क्या है हाइट कम है ना तो शर्ट थोड़ी सी लंबी आ जाती है, तो वो उतना, और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं किसी टेलर के पास जाके ऑल्ट्रेशन कराती नहीं हूँ, और मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि मैं घर पर ऑर्डर कर सकूँ, और टेलर के पास मैं जाती नहीं हूँ। तो अगर ऑल्ट्रेशन करके आप शर्ट्स पहनोगे ना अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो मेरे को थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट जिनकी हाइट थोड़ी सी भी मेरे से ज़्यादा है ना उन पे ये सूट बहुत बहुत स्टाइलिश लगने वाला है, ट्रस्ट मी। एक बार लेके देखना, और सस्ता भी है, कोई महंगा नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, लेके देखना बहुत स्टाइलिश लगेगा। एक जुत्ती के साथ पहना हुआ ना पंजाबी, बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ऊपर से तो देखो बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है ना इलास्टिक वाला, उस तरह से है। नीचे देखो इसकी ना ये इस तरह से है, ये देखो ऐसी सलवार है, नीचे से ये ऐसे बंद है, प्लीट्स जैसे अफगानी पैंट टाइप का होता है ना, धोती स्टाइल बोलते हैं, बोलते क्या है मेरे को नहीं पता, बट इस तरह से आएगा। अब मैं आपको अब बताऊं, देखो अगर आप प्लाजो पहनते हो या पैंट वाले जो सेट आते हैं उसमें क्या होता है, अगर आप बाहर हो आपका जॉब पे जा रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप घर पे काम करते हो ना क्या होता है, हमें नीचे बैठना है, कभी उठना है, कभी कैसे बैठना है, उसमें क्या होता है कई बार उसकी सिलाई जो होती है ना वो खुलने का चांस हो जाता है। क्योंकि मैं पर्सनली ये फील करती हूँ, जैसे हम लोग जो थोड़े वेट वाले हैं, पतली लड़कियों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो थोड़े से मेरी तरह हैवी हैं उन लोगों को कई बार ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि जब वो नीचे बैठते हैं ना तो
अब यार नेचुरल सी चीज़ है, जब नीचे बैठोगे तो थोड़ा सा जोर पड़ता है, बट ये मैं बता रही हूँ आपको इतना कंफर्टेबल था ना, मैंने आपको बताया मैं मंदिर पहन के गई थी, मैंने इसको पूरा दिन पहन के रखा यार, ये बहुत कंफर्टेबल था। मेरा साइज एक्सेल है, जो मेरे जैसे हैं उनको एक्सेल साइज आएगा, और मैं बहुत टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं थोड़े से लूज पहनना पसंद करती हूँ, तो ये इस तरह से है यार, बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी एक बार लेके देखो, बहुत सुंदर लगेगा। अब बात करते हैं, देखो कपड़े मैंने आपको बताया, मैं अमेज़ॉन से जो भी आपको बताती हूँ वो सारे ऐसे होते हैं जो श्रिंक नहीं होते हैं, जिनका कलर फेड नहीं होता है, क्वालिटी सबसे बेस्ट मैं लेकर आती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो अमेज़ॉन पे देर तक ढूंढने में या फ्लिपकार्ट में देर तक ढूंढने में, मैं चुन के जो मुझे बेस्ट डील्स नज़र आती है ना मैं वो आपको ला के बता देती हूँ। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 489 रुपीज़। जी हाँ, 500 रुपये भी नहीं है, 500 से भी कम में आपको ये इतना अच्छा पीस मिलेगा, और ट्रस्ट मी जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है ना, मेरे कहने पे ये वाला एक पीस लेके देखना। इसके साथ आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, एक कड़ा, छोटे रिंग्स ऑक्सीडाइज वाले पहनना, किलर लुक होगा, किलर लुक, इतना अच्छा लगेगा ये पहन के, तो ज़रूर ये वाला परचेज़ करो। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो, जल्दी ले लेना कहीं स्टॉकआउट ना हो जाए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा परचेज़, ट्रस्ट में बहुत अच्छा है, एक बार ख़रीद के देखो। तो फिर मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। हाँ, और ना मैं एक चीज़ और, मैं ना सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग भी वापस से स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना बोल के कि क्या आप लोग मेरा ब्लॉग चैनल देखना चाहोगे, कि मैं कैसे डे टू डे लाइफ में कैसे सब चीज़ों के साथ मैं ये वीडियोस को मैनेज करती हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, ध्यान रखना अपना, जय गुरु जी।